कंपनी का VCI स्कैनर टूल्स BS6 बाइक की। तीन प्रकार की लाइट जल रहा है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ हम लोग का टाइमर उठा है, 30 सेकंड का बिलिंग कर रहा है। मॉडल हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे गाइस। चलिए ईसीयू डिटेल्स, फोल्ड कोड डिटेल्स, डाटा लाइफ। एक सेंसर की वायर हमने खोला है। बाइक स्टार्ट होने के बाद ये चेक इंजन लाइट बंद होना चाहिए, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। पहले हम लोग फोल्ड कोड में चेकअप करेंगे, जो बता रहा है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। चेक इंजन लाइट हम लोग रिमूव करेंगे। यार DTC से मारने से हम लोग का चेक इंजन लाइट चली जाएगा और ये कोड भी हम लोग का रिमूव हो जाएगा। सक्सेसफुल हो गया और हम लोग का चेक इंजन लाइट भी यहाँ रिमूव हो गया गाइस। वेलकम टू सजीर बाइक गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास है हीरो कंपनी का VCI स्कैनर टूल्स BS6 बाइक की। अब यानी कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है, इसे हम लोग यूज कैसे करें। यानी कि यूज करने से पहले हम लोग को कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट कैसे करें, कनेक्ट करने के बाद क्या करें, सारे के सारे प्रोसेस आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ। यह है हम लोगों का स्कैनर, यानी कि इस तरह का आप लोगों को स्कैनर देखने को मिलेगा। VCI हीरो कंपनी का जेनुइन है। और ये सब किस किस को मिला है, यानी कि जो असली हीरो ऐप से यूज करते हैं और उसका नंबर रजिस्टर करा हुआ है, अगर उसका रैंक अच्छा है तो कंपनी उसे गिफ्ट करता है और कुछ पैसा भी देना पड़ता है। बट इसका जो ओरिजिनल प्राइस है गाइस 10,000 के ऊपर है। बट कुछ मैकेनिक भाई को मिला है कुछ कम प्राइस में, जैसे कि मुझे भी मिला है। तो गाइस आज हम बताएंगे VCI स्कैनर मशीन हम लोग कनेक्ट कैसे करें, फोल्ड कोड को कैसे जाने, बाइक को हम लोग रिस्टोर कैसे करें, अपडेट कैसे करें, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा पैनल कवर, क्योंकि यहाँ हम लोगों को एक कपलर दिया गया है, उसी कपलर पर हम लोगों को कनेक्ट करना है। गाइस ये जो कपलर है, ये कपलर हम लोगों को सिर्फ यहाँ भिड़ाना है गाइस, इसी जगह पर, और कुछ कुछ बाइक में और भी जगह है। चलो यहाँ हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, यानी कि कनेक्ट कर दिया है। अभी लाइट नहीं आएगा, अब इग्निशन को ऑन करना पड़ेगा। इग्निशन ऑन करो, दिखाओ ना वहाँ, इग्निशन ऑन करो। अब गाइस यहाँ देखिए, यहाँ तीन प्रकार की लाइट जल रहा है। सबसे पहले अब यहाँ पावर बटन जल रहा है। अब आगे का प्रोसेस गाइस हम लोगों को मोबाइल पर काम करना है, ठीक है, मोबाइल पर काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होता है। जो भाई तो मेरा वीडियो सर्च करके देखा है, शायद उसके पास तो एप्लीकेशन भी होगा असली हीरो ऐप्स, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यह असली हीरो ऐप्स। अब यानी कि ये ऐप्स लेने से काम नहीं बनेगा, आप लोगों को स्कैनर लेना पड़ेगा। तो चलिए प्ले स्टोर चलते हैं। प्ले स्टोर में यहाँ हम लिखेंगे असली हीरो। असली हीरो, असली लिखने से हीरो आ जाएगा। अब यहाँ आप लोगों को कई प्रकार का ही, यहाँ असली हीरो जो स्कैनर करने के लिए है, कोड डालने के लिए, अब नीचे सर्कल करके आएंगे गाइस। यहाँ देखिए असली हीरो VCI स्कैनर, यानी कि इसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो गाइस आ चुकी है असली हीरो VCI स्कैनर, चलो इसे ओपन करते हैं। अब ओपन करने के बाद यहाँ हम लोगों को पासवर्ड देना पड़ेगा और अपना ID डालना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोगों को बताता है, यानी कि परमिशन लेगा। तो चलो यहाँ हम ओके करते हैं, सबसे ऊपर। अब यहाँ आप लोगों को पासवर्ड देना है और ID देना है। कौन सा ID देना है गाइस, यानी कि मैं आपको बताता हूँ। ये जो असली हीरो का ऐप्स है, रुकिए, ये जो असली हीरो का ऐप्स है इसे हम लोग जो UPI कोड यूज करते हैं, इसका जो पासवर्ड है और कॉन्टैक्ट नंबर, वही आप लोगों को देना है। तो चलिए कैसे मैं आपको बताता हूँ, यानी कि आप लोग पासवर्ड अगर भूल जाते हो और कहीं आप लोगों को पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। पासवर्ड कैसे किस तरह से हम लोग रिकवर करें, पासवर्ड कैसे चेंज करें, उसके ऊपर वीडियो बना दें। तो गाइस कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद अगर हम लोग टच करें तो इस तरह का कुछ फेस आएगा। चेक BT सेटिंग इकॉन टू कनेक्ट, यानी कि हम लोगों को बता रहा है BT सेटिंग में हम लोग को जाना पड़ेगा। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए, अभी काम नहीं करेगा जब तक हम लोग BT सेटिंग नहीं कर लेंगे। तो BT में मारने के बाद हम लोग को तीन ऑप्शन मिलता है। तीन ऑप्शन में सबसे पहले आप लोग को नीचे जो आएगा डिस्कवरी ब्लूटूथ तो टच डिवाइस, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ हम लोग को टाइमर उठा है 30 सेकंड का, तो 30 सेकंड हम लोग को वेट करना है। उसके बाद हम लोग को यानी कि एक पासवर्ड देना है, अलग पासवर्ड, वो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर वीडियो में। चलिए वेट करते हैं। अब आ गया है, नो ब्लूटूथ बता रहा है। तो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे ब्लूटूथ पर, अगर नहीं काम कर रहा है। ब्लूटूथ पे आने के बाद सर्चिंग करेंगे,
तो यहाँ हम लोगों को VCI स्कैनर बता रहा है गाइस। तो चलो VCI पे कनेक्ट करते हैं और यहाँ आप लोगों को पासवर्ड दे देना है 1234 1234। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद फेयर करना है। अब ऑटोमेटिक फेयर हो चुकी है गाइस। अब चलिए हम लोग जाते हैं यानी कि इसी जगह पर। तो फिर हम लोग को यहाँ टाइमर दिया गया है, तो चलो मैं दौड़ा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। यानी कि ऑप्शन खुल गया है गाइस। अब यहाँ हम लोगों को एक कोड देना पड़ेगा, तो चलो इस पर हम टच करेंगे। रुकिए, आ जाएगा, आ गया है। अब यहाँ हम लोगों को देना है गाइस 2021, यानी 2021 देना है तभी हम लोगों को काम करेगा। तो यानी 2021 हमने दे दिया है। उसके बाद यहाँ हम लोग येलो पे टिक करेंगे, उसके बाद फेयर करेंगे। तो ऑटोमेटिक फेयर हो चुकी है। अब हम लोग अभी बैक नहीं जाना है, अभी इस पर हम लोग टच करेंगे गाइस, ऊपर सबसे ऊपर। अब टच करने के बाद एक बार हम लोग चॉइस करेंगे। अब यहाँ कनेक्ट हो रहा है गाइस, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुकी है। अब हम यानी कि यहाँ देखिए बाइक का जो बिलिंग है लाइट, ये बिलिंग कर रहा है ना। अब बाइक का मॉडल हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे गाइस। चलिए बाइक पे जाते हैं, मेरा स्प्लेंडर बाइक है, ठीक है। स्प्लेंडर पर हम जाते हैं, तो पूरा सिस्टम हम लोग का यहाँ खुल गया है। देखिए ECU डिटेल्स, फोल्ड कोड डिटेल्स, डाटा लाइव, टेस्ट एक्शन यानी कि डाटा सिलेक्ट, ग्रेव व्यू यानी कि सब आ रहा है। तो सो गाइस अभी हम लोग चेकअप करेंगे जो हम लोग का मैसिंग ठीक जांच कर पा रहा है कि नहीं। और यानी कि हमने एक सेंसर की वायर हमने खोला है, ये है हम लोग का इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। इसका तापमात्रा कितना होता है, कितना डिग्री पर होता है, ये अपडेट करता है। इसको हम लोग खोल लेंगे। तो ठीक है, मैं ओपन कर लिया है। अब बाइक को हम लोग जैसे कि स्टार्ट करने से हम लोग को चेक इंजन लाइट आ जाएगा। तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं। यानी कि बाइक स्टार्ट होने के बाद ये चेक इंजन लाइट बंद होना चाहिए, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। तो चलो अब हम लोग चेकअप करेंगे। पहले हम लोग फोल्ड कोड में चेकअप करेंगे, ठीक से आ रहा है। देखिए सबसे पहले जाएंगे एक्चुअली फोल्ड कोड पर। अब यहाँ हम लोगों का चेकअप करेगा जो बता रहा है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ये हम लोगों का यानी कि खुला हुआ है, ये कोड है P0198, यानी कि ये हम लोग का कोड बता रहा है। तो चलो इसको हम लोग लगा देते हैं और एक्चुअली चेक इंजन लाइट हम लोग रिमूव करेंगे। तो यानी कि हमने कर दिया है। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है क्लियर DTC, यानी कि क्लियर DTC से मानने से हम लोगों का चेक इंजन लाइट चली जाएगा और ये कोड भी हम लोग का रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बाइक स्टार्ट है गाइस, वहाँ गौर कीजिए आप लोग। चलिए सक्सेसफुल हो गया और हम लोग का चेक इंजन लाइट भी यहाँ रिमूव हो गया गाइस। देखिए तो यानी कि हम लोग को अच्छी तरह से कोड को कट पा रहा है और यानी कि जाँच भी कर पा रहा है। अब मुद्दे की बात है, कुछ डिटेल्स हम लोग देखेंगे। चलो बाइक को पहले बंद कर देता हूँ। बाइक को बंद कर दिया है, इग्निशन बंद करने से इग्निशन बंद हो जाएगा, फिर कनेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग पूरा यहाँ चेकअप करेंगे डाटा सिलेक्ट पर। तो गाइस यहाँ हम लोगों को काफ़ी सारे सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ जितना भी सिस्टम है, इंजन स्पीड, टारगेट इंजन स्पीड, व्हीकल्स स्पीड, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। वोल्टेज है, अभी बहुत कुछ है, फ्यूल पम्प की है, सारे के सारे आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। बैक एंगल सेंसर का भी है, बैक एंगल सेंसर है, यहाँ सब काफ़ी सारे सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सैंपल हम लोग चेकअप करेंगे गाइस, इंजन का स्पीड और व्हीकल्स का स्पीड, तो तीन पर मारते हैं। तो तीन चीज़ अगर टिक करें गाइस तो हम लोग को तीन चीज़ दिखाई गई, यानी कि हम लोग यहाँ 1 4 5 6 7 8 9 10 से ऊपर हम लोग एक साथ नहीं कर सकते। देखिए 10 से ऊपर करने से हमको बोल रहा है मैक्सिमम आप 10 पे क्लिक कर सकते हैं। तो यानी कि 10 पे क्लिक करने के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पूरा बायो डाटा उसका आ जाएगा। तो अभी बाइक का स्पीड जो है बंद है, बाइक RPM हम लोग का 0-0 है, टारगेट हम लोग का जैसे कि 14 RPM रहना चाहिए, व्हीकल्स हम लोग का 0-0 है। अब हम लोग चेकअप करेंगे यानी कि जो बाइक में हम लोग को RPM सब यहाँ काम कर रहा है कि नहीं। तो चलो बाइक को स्टार्ट करते हैं, साइड स्टैंड उठा लेते हैं। तो गाइस ऊपर देखिए, सबसे पहले ऊपर जो है 1400 के आसपास में हम लोग का इंजन का RPM रहना चाहिए, ठीक है। और व्हीकल स्पीड आप लोगों को 0 बता रहा है। चलो बाइक को गियर पे देते हैं, गियर पर दे दिया है। अब यहाँ देखिए व्हीकल स्पीड हम लोग का 10 स्पीड पर है। अब एक्सीलेटर देंगे, व्हील ज़्यादा घूमेगा, तो यहाँ 28-29 यानी कि जितना हिसाब से हम लोग का है वो काम करेगा। चलो तो यहाँ हम लोग को काफ़ी सारे सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब आप एक एक करके आप लोग चेकअप कर सकते हैं, यानी कि चलो इसको टिक कर देते हैं। बैक एंगल सेंसर भी है,
अब आप जिस चीज़ को देखना चाहते हैं, बैक एंगल सेंसर इसका ख़राब है या सही है, वो भी हम लोग चेकअप करेंगे। तो यहाँ नॉर्मल बता रहा है, कोई टेंशन नहीं, हम लोगों का बैक एंगल सेंसर भी सही है। अब यहाँ और भी कुछ हमें देखते हैं, फ्यूल पम्प स्टार्टर हम देखेंगे, फ्यूल पम्प की स्टार्टर। तो फ्यूल पम्प भी हम लोगों को नो फॉल्ट बता रहा है, एकदम बराबर सही है। तो यानी कि गाइस, ये हम लोगों को एप्लीकेशन जो है VCAI, इस बंद करते बाइक को। तो गाइस, ये जो VCAI स्कैनर है, हीरो कंपनी का जितना भी बाइक है, हम लोग इससे काम कर सकते हैं। मैकेनिक भाई के पास अगर ये स्कैनर हो तो हम लोग सारे के सारे काम कर सकते हैं, और एक्चुअली क्या क्या फॉल्ट होता है वो भी देख सकते हैं। तो आज आप लोगों को तरीका बताया क्या, VCAI स्कैनर मैशिंग अगर आप लोगों ने ख़रीद लिया है और कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो किस तरह से आप कनेक्ट करें, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया गाइस। और काफ़ी सारे फ्यूचर भी है, अगर आप लोग फुर्सत मिलता है, टाइम मिलता है, तो अच्छी तरह से और भी आप लोग पूरा बायोडाटा देख लीजिए, क्योंकि मैं शॉर्टकट में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को दिखाया। तो ये मुझे फ्यूचर बहुत अच्छा लगा और इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, चलिए कुछ डिटेल्स आप लोगों को दे देता हूँ और उसके बाद आप लोग समझ पाएंगे। तो गाइस, सवाल है, आप लोग सोच रहे हैं कि साजिर भाई मुझे भी चाहिए, लेकिन ये सबको नहीं मिलेगा। ये कंपनी का रिकमेंड है, अगर हम लोग का यानी कि रैंक अच्छा रहता है, यानी कि आप लोग हीरो की पार्ट्स ज़्यादा खरीदते हो और हीरो की इंजन ऑयल अगर ज़्यादा खरीदते हो और कंपनी के पास आप लोगों का डिटेल्स है, तो कंपनी आप लोगों को डायरेक्ट कॉल करेगा और ये चीज़ देगा। ठीक है, मार्केट में इसमें कीमत आप लोगों को 10,000 है, लेकिन आप लोगों को मैकेनिक भाई को कुछ इंजन ऑयल ज़्यादा उसने लिया है, पार्ट ज़्यादा लिया है, उसका रैंक अच्छा है, तो उसको बजट में 2,000 में भी मिलता है। तो गाइस, आज आप लोगों को दिखाया VCAI स्कैनर हम लोग यूज कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया, ताकि आप लोगों को पता चले स्कैनर से हम लोग क्या क्या कर सकता है। तो फिलहाल इतना सा वीडियो में आप लोगों को इतना सा दिखाया, और अगर समय मिलता तो और भी दिखाएंगे। अगर आप लोगों के पास है तो मेरा वीडियो पर देखने के बाद कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट करने के बाद आप लोग पूरा बायोडाटा चेकअप कीजिए कैसा हो रहा है। तो गाइस, यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।